नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 7 पाठ 9 अहम अपि विद्यालयम् गमिष्यामि पढ़ेंगे। अहम अपि विद्यालयम् गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। यह पाठ का शीर्षक है, यह पाठ का नाम है मालिनी। प्रतिवेशिनी प्रति पड़ोसन से कहती है गिरिजे, नाम है पड़ोसन का गिरजा। मम पुत्र मातुल गृहं प्रति प्रस्थित काचित अन्यां कामपि कामपि महिला कार्यार्थम जानासि तर्हि प्रेषय। प्रेषय मतलब भेजना। मेरा बेटा मातुल मतलब मामा के घर गया है, किसी भी काम करने वाली महिला को तुम जानती हो तो भेज देना। गिरजा आम सखी, हाँ सखी। अद्य मीन्स आज, प्रातः मतलब सुबह, एव मतलब ही, मम सायिका स्वसुताया मेरी जो सायिका है, मेरे साथ में मेरे घर में काम करने वाली है, जो मेरे काम में मदद करती है, स्वसुताया अपनी बेटी के लिए कृते काम अर्थ प्रश्यति स्म काम के लिए पूछ रही थी। आज सुबह ही मेरी सायिक अपनी बेटी के लिए काम करने के लिए पूछ रही थी। स्व प्रातः स्व मतलब होता आने वाला कल, प्रातः एव तया वार्ताम करिष्यामि, आने वाले कल सुबह ही मैं वार्तालाप करूंगी। अग्रिम दिने प्रातः काले षटवादने एव मालया गृह घटिका, घंटिका क्या होती है, घंटी रिंग बजना, ठीक है। आगंतराम किम अपि सूचयति मालिनी द्वारमुद्घाटयन्ती पश्यति यत् गिरजाया या सेविकाया दर्शनाया स एका अष्टवर्ष देशीय बालिका तिष्ठति। अगले दिन प्रातः काले 6 बजे मालिनी के घर की घंटी किसी आने वाले को सूचित करती है। मालिनी घर का दरवाजा खोलती है, गिरजा की सेविका, गिरजा के घर काम करने वाली सेविका दर्शनाया, दर्शना नाम है, के साथ एक 8 साल की लड़की खड़ी है। ये चित्र है काम करने वाली के साथ में बच्ची का। दर्शना, महोदय भवती कार्यार्थम गिरजा महोदयम प्रशति स्म कृपया मम सुताय अवसरम प्रदाय अनुग्रहान्तु। भवती आप कार्य के लिए गिरजा महोदय से पूछ रही थी, कृपया मेरी बेटी के लिए अवसर प्रदान करके हम पर कृपा करें। मालिनी परमेशम तो अल्पवेशा प्रतीयते, परंतु यह तो कम उम्र वाली दिखाई दे रही है, किम कार्य करिष्यति येषाम, क्या ये कार्य कर पाएगी। अयम तो अश्चा अधीनस्य क्रीडनस्य च काल, यह तो इसके पढ़ने और खेलने का समय है। दर्शना एषा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्यम करोति स्म, यह बालिका एक घर का संपूर्ण कार्य करती थी। सह परिवारः अधुना विदेशं प्रति प्रस्थितः, वह परिवार इस समय विदेश गया है। कार्य अभावे अहम् एतच्च कार्यमेव अवेशयामि स्म, येन भवद्दृष्ट्यां कार्य प्रचलेत् अस्मत् सदर्शनाम गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। कार्य के अभाव में मैं इसके लिए कार्य ही ढूंढ रही थी या खोज रही थी, और आप जैसों का कार्य चल जाए और हम जैसों का धन की व्यवस्था हो जाए। वो कह रही है कि मैं कार्य के लिए ढूंढ रही थी, जैसे आप लोगों के लिए तो क्या है, काम हो जाए आप लोगों का, और हम लोगों का क्या, उससे धन मिल जाए और धन मिल से हमारा घर चल जाए। ये चित्र है बातचीत की। फिर मालिनी पर मेत्वतु सर्वथा अनुचितम, परंतु यह तो बिल्कुल गलत है। किम न जाना से ये शिक्षा तो सर्वेषां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः, यह तो बिल्कुल गलत है। क्यों, क्या तुम नहीं जानती हो कि शिक्षा तो सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। दर्शना महोदय अस्मत् सदर्शनां तो मौलिक अधिकारा केवलम स्व उदर पूर्ति एवाशित, हम जैसों का तो सिर्फ मौलिक अधिकार
उदर पूर्ति मतलब पेट की पूर्ति करना है। एतस्य व्यवस्थाय एव अहम सर्वनस्मिन् दिने पंच षड् ग्रहणां कार्य करोमि। इसी की व्यवस्था के लिए पूरे दिन में पांच या छह घर में काम करती हूँ। मम रुग्ण पति तु कश्चित् अपि कार्य न करोति। मेरा जो बीमार पति है वो तो किसी भी तरह का कार्य नहीं करता। अतः मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषण करो। अतः मैं और मेरी बेटी परिवार का भरण पोषण के लिए कार्य करते हैं। अस्मिन् महाघृता काले मूलभूत आवश्यकताया कृते एव धन प्राप्य न भवति तरी कथम विद्यालय शुल्कम गणवेशम पुस्तकालय अन्यदनि क्रेतुम धनावेशामि। ये यहाँ पे कह रही है कि इस महंगाई के समय में, क्या कह रही है, महाघृता काले मतलब महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए धन प्राप्य नहीं होता तो कृतम प्रथम मतलब कैसे, विद्यालय शुल्कम शुल्क ड्रेस स्कूल की ड्रेस का शुल्क और पुस्तकों को खरीदने का शुल्क के लिए धन कहाँ से आएगा। मालिनी अहो अरे आप अज्ञान हैं, अज्ञान भवत्या आप अज्ञान हैं कि न जाना से यत नवोत्तर द्विशत्र तमे वर्ष सर्व कारेण सर्वेषां बालकानां सर्वेषां बालकानां कृते शिक्षाया मौलिक अधिकार से घोषणा कृता। आप नहीं जानते हो 2009 से सभी बालक बालिकाओं की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। तदनुसार षड वर्षेभ्य आरभ्य चतुर्वर्ष पर्यंत सर्वे बाला समीप से सर्व कार्य विद्यालय प्राप्य न केवल निःशुल्क शिक्षा मेव प्राप्यन्ति अपितु निःशुल्क गणवेशम पुस्तकानि पुस्तक स्तूप पादत्राणम महाभोजनम छात्रवृत्तिम इत्यादि सर्वमेव प्राप्यते। इसके अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बालिकाओं को विद्यालय में निशुल्क शिक्षा प्राप्ति का ही नहीं बल्कि पुस्तकें भोजन शिक्षा जूते ड्रेस छात्रवृत्ति भी प्राप्त होगी। दर्शना अप्यवेवम आश्रयणी मालिनी प्रसिद्धि। आश्रय से मालिनी को देखती है। मालिनी आम वस्तु एवमेव आम यह ही है। दर्शना कृतार्थम प्रकटयंती धन्यवाद प्रकट करती है। किसी का अपन धन्यवाद करते हैं वो कृपा अनुग्रहिता अस्मि महोदय महोदय आपकी जानकारी से एतत् बोधनाय आपकी जानकारी से एतत् बोधनाय आपकी जानकारी से अहम अद्य वाषां समीपे प्रवेशम समीपे यह विद्यालय करिष्यामि। मैं आज इसका स्कूल में अपने घर के पास के स्कूल में इसका एडमिशन करवाऊंगी दाखिला दिलवाऊंगी प्रवेश करवाऊंगी। दर्शनाया पुत्री उल्लासेन सह अहम विद्यालयम गच्छामि। मैं भी विद्यालय जाऊंगी। दर्शना की पुत्री जो बहुत खुशी के साथ कहती है मैं भी विद्यालय जाऊंगी। अहम अपि पठामि मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्ता करल तल वादम सहितम नृत्यति मालिनी च कृतज्ञता ज्ञाप्यति। ऐसा कहते हुए ताली बजाते हुए नृत्य करती हुई मालिनी की ओर देखते हुए धन्यवाद करती है। धन्यवाद।